with the advent of spring, people throughout Srinagar suffer from allergies induced by pollen grains that are produced from Russian poplar trees. Playfields of education institutions usually grow these trees. तो ये ऐसे पेड़ नहीं लगाने चाहिए जिससे हमारी सेहत खराब हो और हमारा एनवायरनमेंट, देखो हमारी रोड लगता नहीं है कि रोड से, अगर यहाँ पे एवरग्रीन और बाकी फ्लावर्स के जो छोटे छोटे पेड़ है वो लगाए तो वो ठीक है हमारे। गले में प्रॉब्लम होती है और छाती खराब होती है, जुकाम डेली होता है और क्लास में हम ठीक से बात भी नहीं करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं सीधे बोलनेस मुँह में जाते हैं, ऐसा नहीं होना। तो आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं गवर्नमेंट? रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट, ये जो ये ऐसी किस्म के पेड़ है यहाँ पे उनको काटो और यहाँ पे अगर प्लांटेशन करनी है तो वो ऐसी किस्म के पेड़ लगा जिनसे ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगा, पोलन वगैरह नहीं है। ये पॉपुलर नाइजरा के पेड़ हैं जिनमें से ज़्यादा ही होगा पोलन ग्रेन्स, अगर यहाँ पे किनार लगाएंगे एवरग्रीन भी है जोदार वगैरह, उससे क्या होगा कि एक तो पोल्यूशन कंट्रोल होगा, ऑक्सीजन अच्छे से मिल पाएगी और ये नहीं होगा परेशान, इट्स गोना बी बेटर इफ वी प्लांट चिनार और जोदार इंस्टेड ऑफ द पॉपुलर नाइजरा, सो दैट्स व्हाट आई हैव टू से अबाउट इट। और ऐसी पेड़ यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह में नहीं होने चाहिए। DC Srinagar and pressurize him to cut Russian poplar tree in Bemna Degree College. I'm Nadia Shafi from Srinagar for Kashmir Unheard.